तो भाई लोग, अगर आप भी BGMI के इस टाइम लिमिट से परेशान हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं आप लोग को आज बता दूंगा वो सारे तरीके जैसे आप BGMI के टाइम लिमिट को अनलॉक कर सकते हो, वो भी ऑफिशियली, मतलब BGMI से खुद रिक्वेस्ट करके। कैसे क्या करना है वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा देखकर मुझे मैसेज मत करना कि भाई तूने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा वैसा मेरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर बाद में आपको आपका नहीं होगा ना तो आप मुझे ब्लेम करोगे इस चीज़ के लिए। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक मत करना, कसम से दिल से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक मत करना। आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है, काम हो जाए तो लाइक करना, क्योंकि हर ना काम के बाद तो सभी लोग लाइक ही करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, खैर मैं उनसे मतलब नहीं रखता जो लोग नहीं करते काम हो जाने के बावजूद। फिलहाल मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आप लोग तभी लाइक करना जब आप लोगों का काम हो जाए, अदरवाइज मत करना। तो गाइस, टाइम लिमिट को अनलॉक करने के लिए क्या करना है, चलो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ कैसे क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को अपना क्रोम खोल लेना है, वो भी डेस्कटॉप मोड में। क्रोम खोलने के बाद वहां पर आप लोग सर्च कर लेना BGMI help, ठीक है। BGMI help आप लोग वहां पर सर्च कर लोगे ना, तो थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहां पर देखो कॉन्टेक्ट अस BGMI help center ऐसा कुछ लिख के आ रहा है ना, इसको आपको ना क्लिक कर देना है। वो भी ना देखो, आप लोग मैं बता रहा हूँ BGMI ये जो सर्च करना है ना डेस्कटॉप मोड में करना, यहाँ पर जाओगे ना आपको देखो ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलेगा। ईमेल डालने का है, इशू क्या है वो डालना है, इशू टाइप करना है एक्चुअली में क्या है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है क्या सीन है, मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ, बता दूंगा अभी क्या क्या कैसे करना है। और आपको ना वो टाइप करके एक लेटर भी दे दूंगा क्या यहाँ पर एक्चुअल में पेस्ट करना है, जिससे आपका टाइम लिमिट अनलॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद एक फाइल अटैच कर देनी है, वही BGMI टाइम लिमिट की फाइल अटैच कर देनी है, और एक दो फाइल और मैं बताऊंगा जो आपको अटैच करनी है वहां से, अपने PDF में नहीं, वैसे केवल फोटो डाल देनी है, वो मैं बता दूंगा आप लोग को। और यहां पर नीचे गए कॉशन को दिया गया है डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आप लोग ध्यान में देना, यहां पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप मेल करोगे ना तो सीधे BGMI के पास नहीं जाएगा, उनके टीम के पास जाएगा, तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो आओ मैं बताता हूँ आप लोग को क्या करना है एक्चुअली, यहाँ आप लोग अपना मेल डाल देना, ठीक है। इशू क्या है, यहाँ पर आप आओगे ना तो अकाउंट मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलिंग, देखो तो यहाँ पर गाइज ना आपको ना अकाउंट मैनेजमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ना यहाँ इशू टाइप करना है। इशू टाइप में क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर रिस्टार्ट योर डिवाइस है, अनेबल टू स्टार्ट है, अनेबल टू लॉग इन है, रिसोर्स पैक डाउनलोड है, इवेंट नॉट शोइंग लॉबी, अनबैन रिक्वेस्ट, अकाउंट हैक, और रॉयल पास रिक्वेस्ट मतलब रॉयल पास के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, कर देना। स्विच सर्वर और हाई पिंग की इशू नॉन ऑफ देव, और चेंज सर्वर इशू, देखो लास्ट में क्या है, चेंज सर्वर रिक्वेस्ट, सॉरी इशू नहीं है, रिक्वेस्ट है। तो आपको ना यहाँ पर चेंज सर्वर, आप लोग यहाँ फिर से देख लो, अकाउंट मैनेजमेंट, चेंज सर्वर रिक्वेस्ट, ये डालना है, और यहाँ पर जो डिस्क्राइब करना है ना, जो मेन फंडा आता है सर्वर रिक्वेस्ट, यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ जो डिस्क्राइब है वहाँ क्या लिखना है मैं आपको एक बता, अगर आप देखो इंग्लिश में टाइप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाओगे, इंग्लिश में ही लिखना होगा ना, तो इंग्लिश में देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लिख पाओ तो लिख देना, नहीं लिख पाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे अपना मैसेज करना, मैं आपको टाइप करके पूरा मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। वो टाइप वाला मैसेज आप पूरा जाकर वहाँ पर यूज कर देना, देन उसके बाद आप ना इनको मेल कर देना, यहाँ पर लास्ट में देख लो, हाँ ये फाइल अटैच करनी है, फाइल क्या अटैच करनी है, जब आप लॉगिन मतलब आपका 6 घंटा पूरा हो जाता है तो एक ऐसा पॉपअप शो नहीं होता कि आपका 6 घंटा लिमिट पूरा होगा, 5:30 बजे खुलेगा उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर सबमिट कर देना। अब यहाँ लिखना क्या है मैं आप रेंडमली बता रहा हूँ, सिर्फ लिख देना कि सर मैं एक मतलब मैं एक स्पोर्ट प्लेयर हूँ, मैं हमेशा गेमिंग करता रहता हूँ, मेरे पास इतने सारे अकाउंट नहीं हैं जिनसे मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ, और मैं BGMI खेलता हूँ, और आपको तो पता है BGMI में 6 आवर की टाइम लिमिट है, और मैं इस ई स्पोर्ट प्लेयर होने के नाते मेरी ज़्यादातर टाइम जो है ना वो ट्रेनिंग मोड में चली जाती है। आप लोग ये बोलना कि जो आपके ज़्यादातर टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम आप लोग ट्रेनिंग मोड में स्पेंड कर देते हो, जिससे हमारा टाइम लॉस हो जाता है यहाँ पर, और जब हम अपना ई स्पोर्ट या स्क्रीम खेलने लगते हैं तो उस टाइम लिमिट हो जाता है, और मैं गेम नहीं खेल पाता हूँ, गेम से बाहर भेज देता है और मैं नहीं खेल पाता हूँ। तो यही चीज़ सेम टाइप करनी है कि मैं एक ई स्पोर्ट प्लेयर हूँ, मेरा ज़्यादातर टाइम ट्रेनिंग मोड में जाता है, मैं ट्रेनिंग करते करते अपना टाइम ज़्यादा बिता देता हूँ, और मैं अपने वो नहीं खेल पाता, मैं अपना गेम नहीं खेल पाता हूँ, और मेरा अकाउंट जो है ना वो 6 घंटे के टाइम को
रीच कर जाता है, मेरे पास ज़्यादा अकाउंट नहीं है जिसे मैं यहाँ पर दोबारा दूसरे अकाउंट से अपना खेल सकूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस अकाउंट से मेरा जो टाइम लिमिट है उसको रिमूव कर दीजिए। प्लीज़ 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 BGMI, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा BGMI से, मेरे इस अकाउंट से अपना ID दे देना कि मेरे इस अकाउंट से टाइम लिमिट को हटा दीजिए। फिर आप लोगों से BGMI मेल पे कांटेक्ट करेगी, आप लोग को सारी चीज़ें बताएगी कि क्या कैसे करना है। अगर आपको वो अकाउंट चेक करेगी ना, आपका अकाउंट वो अच्छे से चेक करेगी कि क्या सीन है भाई, आप सच में क्या ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हो या नहीं जाते हो, आप कैसे प्लेयर हो क्या नहीं हो, सारी चीज़ें जब आप चेक करेगी ना, देन उसके बाद आपको मेल का कन्फर्मेशन देगी। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर पाते हो तो आपको नहीं देगी अप्रूवल। तो इसलिए आप कम से कम ट्रेनिंग ग्राउंड में 1-2 घंटे बिताते रहो, फिर उसके लिए अप्लाई करना। सबको नहीं मिलेगा, मैं पहले बोल देता हूँ, सबको नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिल सकता है जो ट्रेनिंग ग्राउंड में ज़्यादा हैं, वो सच में ई स्पोर्ट प्लेयर है, ज़्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, देन BGMI हिस्ट्री देखकर उनको अप्रूवल दे सकती है। अब आप लोग कहोगे कुछ लोग कि ऐसा नहीं है यार, फेक है, तुम गलत बता रहे हो ऐसा ऐसा, तो यार कुछ तो मतलब किसी की वीडियो देखते होगे ना, कोई बड़े IGL वगैरह जो होंगे उनकी वीडियो स्ट्रीम्स तो देखते ही होंगे ना सभी लोग, तो आप उनके बारे में सोचो कि वो मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं। हालांकि सब लोग अपना सेकंड अकाउंट दिखाते हैं, सबके पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में देखो तो उनके तह तक सोचो कि यार सच में 6 घंटे से ज़्यादा स्ट्रीम कर रहा है, फिर इसका चल कैसे रहा है भाई, कैसे सब कुछ मैनेज कर ले रहा है। तो इस चीज़ को सोचकर आप लोग देख लो, ठीक है गाइस। तो वीडियो में मैंने जो बताना था आप लोगों को मैंने बता दिया, समझा दिया, सारा कुछ अप्लाई करो जाके आप लोग, और अच्छे से करना, ठीक है, टाइप बढ़िया से करना अच्छे से। और भाई लोग, मैं तो गॉड से प्रे करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग यार इतनी मेहनत करते हो तो आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए 100% BGMI की तरफ से, और यार आप लोग अच्छे से विदाउट टाइम लिमिट का गेम खेल पाओ। और मैं आप लोगों से ना बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लोगों का टाइम लिमिट हट जाए, अप्रूवल मिल जाए, तब ना बस आकर आप यार वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।